हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वायरल बंदा। तो यहाँ पर लेटेस्ट मजेस्क अपडेट आ चुकी है वर्जन 24.2 जो कि अभी बीटा स्टेट में है। मैंने 24.1 पर वीडियो नहीं बनाई थी बट डायरेक्टली 24.2 पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ खास अपग्रेड के अंदर देखने के लिए नहीं मिला था और अभी भी कुछ खास नहीं है वैसे। बट इस वीडियो में सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि 24.1 से 24.2 पर अपडेट कैसे करना है। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर यूज करूँ वर्जन 24.1 और इस पे सेफ्टी नेट स्टेटस की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी ट्रू मैंने कर दिया है जो ट्रिक है वो यूज करके। तो अगर आपको पता नहीं कि कैसे करना है आपको CTS प्रोफाइल और सेफ्टी नेट को ट्रू, तो वो वीडियो का लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा आई बटन पर, तो आप जाकर देख सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वर्जन 24.2 आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि GitHub पेज लिंक होगा और उसके बाद यहां पर कुछ चेंज लॉग वगैरह आपको देखने के लिए मिलने वाली बट जो आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि मुझे भी नहीं आ रही है। तो यह कुछ अंडर द हुड इंप्रूवमेंट्स है जो कि बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में तो समझ नहीं आएगी। तो मजेस्क 24.2 पर जैसे आप क्लिक करोगे एसेट्स के अंदर तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होना चाहिए और ये नाम आपको रैंडम देखने के लिए मिलेगा बट आपको उसको रिनेम कर देना है मजेस्क वर्जन 24.2 beta.zip ऐसा कुछ आप कर देना। .zip एक्सटेंशन जरूर आपको लगाना है एंड में और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ADM डाउनलोड मैनेजर का यूज करो क्योंकि इसमें रिनेम कर सकते हो आप डाउनलोड को। तो मजेस्क डाउनलोड होने के बाद आपको रिकवरी में बूट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी मजेस्क फ्लैश कर रखा है पुराना वर्जन आप यूज कर रहे हो तो सिंपली जैसे आप एक मॉड्यूल फ्लैश करते हो वैसे ही आप लेटेस्ट मजेस्क की जिप को फ्लैश कर सकते हो, जैसे कि यहां पर मैं आपको करके बताता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि एक मॉड्यूल हम फ्लैश करते हैं वैसे ही मैंने मजेस्क की अपडेट को फ्लैश कर लिया और ये फ्लैश हो चुकी है। तो जैसे ये फ्लैश हो जाती है गाइस आपको एक रिबूट बटन देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे ये बटन पर क्लिक करके फोन को रिबूट करोगे और जब आपका फोन बूट होता है तो आप देखोगे कि लेटेस्ट वर्जन जो है वो फ्लैश हो चुका है मजेस्क का, बट आपको कोई APK देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि मैं ऑलरेडी पुराना वर्जन यूज कर रहा था और मैंने मजेस्क मैनेजर की एप्लीकेशन को रिनेम कर रखा था। तो यहाँ पर रिनेम्ड वर्जन पर ही आपको क्लिक करना है और आप देखोगे कि यहाँ पर जो मजेस्क वर्जन है वो लेटेस्ट 24.2 हो चुका है बट मैनेजर का वर्जन अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो इंस्टॉल पर क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हो और यहाँ पर फिर से चेंज लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि आप स्किप करो क्योंकि किसी काम का नहीं है, हमें समझ नहीं आएगा कि उसमें क्या लिखा है। तो ये आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन अपडेट होने लग गई है और इसको अपडेट होने देते हैं और फिर यहाँ पर जो सोर्सेज है उसको आपको अलाउ कर देना है ताकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सके। दोबारा से मैं डाउनलोड करूँगा और यहाँ पर दोबारा से डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी और इस बार जो है इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मजेस्क डाउनलोड हो गया है। अब सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है गाइस इंस्टॉल बटन पर, इंस्टॉल एनीवे, अगर ये कुछ ऐसा रैंडम मैसेज देता है तो इंस्टॉल एनीवे पर आप क्लिक कर देना और फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है डोंट सेंड पर। इतना करने के बाद सिंपली आपको मजेस्क ओपन करना है और आप देखोगे कि अब जो मजेस्क वर्जन है और जो ऐप वर्जन है दोनों ही 24.2 पर अपडेट हो चुका है, तो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। और अब हम चेक करेंगे सेफ्टी नेट की कि लेटेस्ट वर्जन पर सेफ्टी नेट स्टेटस ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑलरेडी मैंने 24.1 पर पैच करके रखा था तो उस पर ट्रू था, अब हम 24.2 पर देखेंगे कि ट्रू है या नहीं। तो इस वाली अपडेट में सब कुछ है, जायजेस वगैरह आपको वर्किंग मिलता है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से टेस्ट करूँगा सेफ्टी नेट, तो रन करते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब कुछ पास्ड है, सब कुछ ट्रू है। तो यस आपको लेटेस्ट अपडेट पर भी सेफ्टी नेट ट्रू देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो जाकर आप वीडियो देख सकते हो। ओके तो ये था गाइस लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करने का तरीका मजेस्क 24.2 का। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो क्योंकि अच्छी वीडियो हम लाते रहते हैं। अब कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड कीप फ्लैशिंग।